सो राइट नाउ वी आर एट मरारी बीच। तो गाइज हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं केरला एलईपी के लिए केएसआर बेंगलुरु से। ये हमारी ट्रेन है 16315 नंबर है इसका। ये मैसूरू से अराउंड 12:50 आफ्टरनून में चलती है और यहाँ पर 4:30 पहुँचती है। यहाँ से हम एलईपी के लिए मूव करेंगे 4:50 इन द इवनिंग एंड एलईपी हमें ये पहुँचा देगी 5:30 इन द मॉर्निंग। चलिए अब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो स्लीपर क्लास की हमने टिकट बुक करी थी बेंगलुरु से केरला एलईपी के लिए, जो कि हमें एक पर्सन के लिए 380 रुपीज की पड़ी थी, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड रिटर्न भी हमारा प्लान था, तो हमने रिटर्न की टिकट भी सेम फेयर 380 रुपीज पर पर्सन बुक करी थी। ड्यूरिंग और ट्रेन जर्नी आप ये सीनिक ब्यूटी तो एंजॉय करोगे, साथ साथ ये कोकोनट ट्रीज भी बहुत देखने में अच्छे लगते हैं। उसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्लीपर विंडो टिकट ही बुक करें। हमने यहाँ पहुँचने से पहले ऑलरेडी अपना होम स्टे बुक किया था, जिसका नाम था जॉनसन होम स्टे। ट्रेन ने हमें एक्यूरेट 5:30 AM इन द मॉर्निंग अलापुजा एलएपी रेलवे स्टेशन उतार दिया। ना तो क्वेश्चन इज कि हमारी यहाँ पर नेगेटिव कोविड की रिपोर्ट चेक होगी या फिर वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट चेक होंगे या नहीं, वीडियो में आपको आगे दिखाते हैं। बोल रहा था किसी भी ऑटो वाले को बोल देना जॉनसन। यहाँ से 1 किलोमीटर ही है जॉनसन होम स्टे। सो यहाँ के ऑटो रिक्शा को कहा जाता है टुक टुक। जॉनसन होम स्टे पता, जैसा कि हम 5 लोग थे तो आफ्टर 10 मिनट्स हमें टुक टुक मिल गया, जिसने हमसे चार्ज किया 100 रुपीज। गोवा की तरह भीड़ भाड़ तो नहीं लग रहा। गुड मॉर्निंग गाइस, सो फाइनली हम एलएपी पहुंच चुके हैं। 6:30 हमने यहाँ पे चेक इन किया था, 5:30 हमारी ट्रेन पहुँची थी। 10 मिनट बाद हमारे को ऑटो मिल गया था वहाँ से, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। और जैसे हम यहाँ पे पहुँचे, जो हमने रूम बुक किया था वो 11 AM के लिए चेक इन था, बट हमें जो यहाँ के ओनर है मिस्टर जॉनसन, उन्होंने ऑल्टरनेटिव रूम प्रोवाइड कर दिया। एंड आपको इसका होम स्टे का मैं एक टूर करा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि कहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। उसके बाद आपको मिलाएंगे मिस्टर जॉनसन से, जो यहाँ पर ओनर है। सो दीज आर द स्ट्रीट्स ऑफ एलएपी। ये एलएपी की गलियाँ हैं एंड हम यहाँ पर स्टे कर रहे हैं जॉनसन्स होम स्टे। चलिए आपको क्विकली टूर करा देते हैं कहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं, हमारा रूम कैसा है। सो हमने ये एयरबीएनबी के थ्रू बुक किया था ऑनलाइन, एक दिन पहले ही बुक कर लिया था। बहुत ही बजट में, इफ़ यू आर कमिंग विद योर फैमिली और फ्रेंड्स देन आई वुड सजेस्ट यू टू बुक बिफोर वन डे, और आई थिंक आप पहले भी बुक कर सकते हो। एयरबीएनबी के थ्रू हमने बुक किया था, बट और जगह भी अवेलेबल है लाइक booking.com। सो ये हमारा स्टे है, ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ। काफ़ी ग्रीनरी है और जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारे रूम का बालकनी व्यू। और हमने ये बुक किया एयरबीएनबी के थ्रू ऑनलाइन, तो हमें ये पड़ा 5 लोगों के लिए 2650 रुपीज़ का एक नाइट के लिए। अभी ये सीज़न टाइम है, ऑफ सीज़न में ये और सस्ता हो जाता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ इस होम स्टे का, और बालकनी में एक बाथटब भी है। चलिए आपको रूम में लेकर चलते हैं, आपको रूम का व्यू दिखाते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी स्पेशियस रूम है और रूम में 2 बेड्स प्लेस किए हैं, जिसमें आप कंफर्टेबली 5 लोग इजीली यहां पर स्टे कर सकते हो। लेट्स मीट आवर ओनर मिस्टर जॉनसन, क्योंकि मिस्टर जॉनसन यहां के लोकल थे तो हमने जाना उनसे यहां पे हम क्या क्या विजिट कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नॉट जस्ट ओनली जस्ट समथिंग स्पेशल अबाउट द प्लेस, दैट इज समथिंग यू कैन सी। देन नाउ दिस बीच इज हियर, देयर इज अनदर वेरी वेरी गुड बीच इन एलएपी कॉल्ड द मरारी बीच। मरारी बीच, यस आई सॉ ऑन गूगल। या दैट इज आल्सो वेरी गुड, दैट्स अबाउट 20 मिनट्स ड्राइव, यू नीड टू टेक अ रिक्शा। ओके,
So it's about 300 rupees to go there and 300 to come back. Which one is better, LAP beach or Morari beach for sunset? For sunset. For sunset, maybe LAP beach. LAP because beach. It's easier for you to have dinner and everything. Right. So maybe in the morning or whenever you're in the mood, you can go and visit. Maybe in the afternoon, you can go and visit the Morari beach. Right. Because the Morari beach has a lot of trees on the... Coconut trees? Yeah, coconut trees. So there is shade. Okay. So even if you go in the afternoon, you can have something. And there will be some small shacks over there. You can get some refreshments or anything. We do food here if you are interested. We have breakfast. You can have breakfast here. Sure. Or lunch or dinner. Tea, coffee is available, right? Tea and coffee is available, but only at 9 o'clock because that's when my cook comes. Okay. So everything we can do only then. Okay, I'll let you know. She will bring the milk and everything. Okay, I'll let you know. Breakfast करने के लिए हम food घर से ही prepare करके लाए थे. हमने सिर्फ यहाँ पर आके चाय order की. जैसा कि उन्होंने बताया कि afternoon में Morari beach काफी अच्छा लगता है, तो हमने breakfast किया और यहाँ से सीधा Morari beach के लिए निकल पड़े. तो अब हम Morari beach के लिए जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 15-20 मिनट की drive है. हम यहाँ से लेंगे ऑटो रिक्शा. देखते हैं कितना ऑटो रिक्शा चार्ज करेगा, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा. Morari beach. Morari beach जाने का ऑटो? यस, पांच ऑटो. हाउ मच? फाइव पीपल. हाउ मच? कितने? प्रॉपर बार्गेनिंग 350 रुपीज में पांच लोगों के लेके जाने के लिए रेडी हो गए. कैन आई सिट इन फ्रंट? यहाँ बैठ सकते हैं. इधर. मिस्टर जॉनसन ने बताया कि ये 15-20 मिनट की ड्राइव है, बट ऑटो रिक्शा वाले ने बताया कि आपको लगने वाला है यहाँ पर एक घंटा, बट एक्यूरेटली हमें 35 मिनट्स लगे हमारे होम स्टे से Morari beach पहुँचने में. ये लंबे लंबे कोकोनट ट्रीज देख के बीच वाले फीलिंग्स तो हमें पहले ही आ गए थे, बट बीच पहुंचने में अभी हमें लगने वाला था थोड़ा टाइम. राइट नाउ वी आर एट Morari beach एंड काफी ज्यादा गर्मी भी है. मैंने ये जैकेट इसलिए पहनी है कि टैनिंग से मैं थोड़ा बचाव कर सकूं, पर गर्मी कुछ ज्यादा ही हो गई है. तो मैं इसे उतारूंगा और थोड़ा बीच को एंजॉय करेंगे. आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है. दोपहर के अराउंड 11 बजे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा धूप है. लेट्स एंजॉय सम सिनेमैटिक व्यूज ऑफ दिस Morari beach. पर आए हो तो कोकोनट वाटर आप कैसे मिस कर सकते हो. और नॉन वेज के शौकीनों के लिए ये बीच काफी ज्यादा सी फूड के लिए भी फेमस है.
बीच विजिट के बाद हम निकल पड़े महादेव टेम्पल एंड फेमस चर्च के लिए, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा।